नमस्ते दोस्तों, महिंद्रा मोटर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, ये महिंद्रा एमोक स्कॉर्पियो दोस्तों, इसके अंदर क्या ब्रेक शू ख़त्म हो गए थे, हैंड ब्रेक वगैरह काम नहीं कर रहा था बराबर और ब्रेक डाउन आ रहे थे। तो इस बिक के अंदर क्या हुआ, सबसे पहले ब्रेक शू चेक किया, ब्रेक शू इसके ख़त्म थे। तो दोस्तों ब्रेक शू कैसे चेंज किए जाते हैं, कैसे लगे जाते हैं, ये देखना हो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब नहीं करा हो तो सब्सक्राइब करिए। ये सबसे पहले ड्रम निकाला जाता है, ये ब्रेक ड्रम इसको बोलते हैं, ब्रेक ड्रम। ये ड्रम निकाल दिए तो इसके लाइनर चेक करेंगे, लाइनर क्या पोजीशन है, ड्रम डाउन है, पॉलिश कट लगाए, लाइनर ख़त्म पड़े हैं। ये देखिए बिल्कुल भी माल नहीं है इसके अंदर, इसके अंदर साथ में हैंड ब्रेक केबल भी ख़त्म है, वो भी चेंज की जाएगी दोस्तों। ये है लाइनर, लाइनर कैसे खोले जाते हैं ये देखना आप दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, करना ना भूले, वीडियो को पूरी देखिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये इसके अंदर लॉक आते हैं जो लाइनर में लगे रहते हैं दोस्तों, वीडियो को पूरी देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये लॉक खोल दिया गया, इसका पीछे पिन लगी हुई, पिन को हटा देंगे। ये दूसरा लॉक, भी हटा दिया। वो हैंड ब्रेक केबल थी, ये स्प्रिंग है तो निकाले जाते हैं दोनों साइड लाइनर छुड़ाने के लिए दोस्तों। इस वीडियो को देख के लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें, पूरी वीडियो देखना ना भूले। इंजन सिलेंडर खोलना पड़ेगा इसको, ब्रेक पाइप ये व्हील सिलेंडर खोलना पड़ेगा इसका दोस्तों। इस वीडियो को पूरी देखिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें,